फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ रॉ बनाना करी और कच्चे केले की सब्ज़ी, जो कि मैं एकदम डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। और अगर आपने एक बार इस तरह से बना लिया तो आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे, इतनी टेस्टी बनती है। और ये साउथ में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और बहुत ही मतलब टेस्टी होती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाया है मैंने और हमें इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं, पुष्पलता किचन 15 मेरा इंस्टा आईडी है। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं मुझसे। रॉ बनाना करी बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है बनाना। बनाना को हम बॉयल करेंगे पहले। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम कच्चा छीलते हैं तो हमारे हाथ भी काले पड़ जाते हैं और छीलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बनाना को बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बनाना को बॉयल कर लिया। ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा उसको कर देना है ताकि हम आसानी से इसको छील सकें। तो देखिए कितनी आसानी से हम इसको छील सकते हैं और हमारा हाथ भी काला नहीं होगा। तो और अगर दूसरा ये प्रॉब्लम होता है कि अगर हम कच्चा छील के कट भी कर लेते हैं तो वो भी बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। तो इस तरह से हम पील कर लेंगे यहाँ पे बनाना को। तो यहाँ पे मैं सारे बनाना पील कर लेती हूँ और फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस में लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा मैंने कर लिया है। उसके बाद हम इसको पील करने के बाद कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पील कर लिया है और फिर मैं इसको कट कर लेती हूँ। शेप में आप कैसे भी कट कर सकते, पर आप अगर इस तरह से कट करते हैं तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम सारे बनाने को कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कट भी हो जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत अधिक बॉयल नहीं करना है, ओनली बस थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाए, इतना ही हमें करना है। तो यहाँ पे मैंने ये कट कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं अब। तो यहाँ पे सारे मैंने कट कर लिए हैं ये इस तरह से। तो ये कट हो गए हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में अगर हम बनाते हैं ये सब्ज़ी तो बहुत अच्छी बनती है। तो सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल को हम गरम कर लेंगे, उसके बाद इसके अंदर हमें जो कट करके हमने बनाना रखा है उसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, फ्राई ऑप्शनल भी है, अगर आपको पसंद है तो करिए, नहीं तो नहीं करें। पर अगर आप फ्राई करके बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा हमें इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। तो आप और थोड़ा सा हमें यहाँ पे नमक डाल देना है ताकि बनाना के अंदर नमक अच्छे से चले जाए, तो बनाना फीका नहीं लगेगा इससे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको डीप फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये फ्राई हो चुका है और उसके बाद जो थोड़ा बचा था वो भी मैं फ्राई कर लूँगी और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस में जाना है और फिर हम लेंगे इसके ग्रेवी के लिए। तो यहाँ ग्रेवी के लिए मैंने ओनियन, जिंजर, गार्लिक, चिली ये मैंने लिया है और इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम कढ़ाई में मैंने निकाल लिया है। उसके बाद इसमें मैंने जीरा डाला था और मैंने बे लीफ डाला है। तो यहाँ पर जीरा, बे लीफ डाल के और थोड़ा सा हींग डाला था मैंने। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने पेस्ट बनाया है जिंजर, गार्लिक और अनियन का, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दी हूँ। उसके बाद इस मसाले को हमें अच्छे से भुनना है, तब तक जब तक कि ऑयल अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला भुन रहा है। इसके बाद हम मसाले यूज़ करेंगे, ड्राई मसाले। तो ड्राई मसाले में मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, ये मैंने लिया है जीरा पाउडर, नमक और ये रेड चिली और धनिया पाउडर और हल्दी। तो इन मसालों को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे मसालों का यूज़ किया है। तो अब हम इसके अंदर मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं उसको मिक्स कर ले रही हूँ और हमें तब तक भूनना है जब तक कि अच्छे से मसाले भून नहीं जाएँ, उसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगे, तब तक हमें मसालों को भून लेना है। तो अभी मैं कवर कर देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर भून लिया है वापस से। यहाँ पे मैं इसको एक बार फिर से चला लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने भून लिया है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे
लो फ्लेम करके यहाँ पे मैंने ऐड किया है कर्ड, तो कर्ड को मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया है और अब इसे हमें कंटिन्यू चलाना है इस तरह से, तो नहीं तो कर्ड फटने का रहता है डर। तो आप जब भी कर्ड या मलाई क्रीम जो भी डालें तो गैस का फ्लेम एकदम लो कर लें। तो यहाँ पे आप कर्ड का भी यूज कर सकते हैं, मलाई का भी यूज कर सकते हैं, क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बार फिर से कवर कर दिया है और मसालों को भून रही हूँ। तो अभी देखिए मसाला एकदम अच्छे से भून चुका है और ऑयल भी अच्छे से छोड़ चुका है, तो बहुत ही अच्छे से मसाला भून चुका है। तो अब हमने जो केला फ्राई करके रखा था वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है जो फ्राई करके बनाना रखा था, तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप अगर ड्राई रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बस पानी का यूज़ नहीं करें तो आपके ये सूखी बनाना की सब्ज़ी बन जाएगी। और अगर आपको ग्रेवी रखना है तो आप यहाँ पे पानी का यूज़ कर, क्योंकि हम थोड़ा ग्रेवी रखेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा भून जाने के बाद इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। पानी थोड़ा सा हमें गर्म करके डालना है तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर पानी मैंने गर्म कर लिया है और अब मैं यहाँ पर पानी डाल दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है, थोड़ा लग रहा है मुझे कम, तो थोड़ा और मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। तो इसी मसाले के साथ केले तो पहले से ऑलरेडी फ्राई हैं तो पक चुके हैं, पर मसाले के अंदर हमें थोड़ा और पाँच मिनट 7 मिनट और हमें भुनना पड़ेगा। तो थोड़ा मैंने और पानी ऐड कर दिया है और अब ये अच्छे से इसको हम पका लेंगे। तो हम यहाँ पर कवर करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे कवर कर दिया मैंने, वापस से मैं देखिए ओपन किया है। तो अब आप देख सकते हैं सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आ रहा है, एकदम परफेक्ट तरीके से हमारे जो रो बनाना करी बन चुकी है। और यहाँ पे आप एक बार चेक भी कर सकते हैं कि बनाना अच्छे से हो चुका है कि नहीं, तो मैंने चेक भी कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चॉप किया हुआ कोरिएंडर ऐड कर दूंगी। अगर कोरिएंडर नहीं हो आपके पास तो यहाँ पे आप कसूरी मेथी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सब्ज़ी कितनी अच्छी और बहुत ही कलरफुल बनी है। तो चलिए अब सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सर्व कर लिया है मैंने, देख सकते हैं आप, और कितना अच्छा कलर टेक्सचर आया है सब्ज़ी का। तो इस सब्ज़ी को आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, राइस के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती से थोड़ा गार्निश कर दिया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स फैमिली में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी रेसिपी की डिमांड हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लाइक करना ना भूला करिए, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी।